large number for class 5th on exercise 4A. Question number 7, simplify students. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 426624 प्लस 253886 माइनस 305167. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे 426624 प्लस 253886 को प्लस करेंगे then subtract 305167. First of all we write this in column 426624 and 688352 add करेंगे 4 plus 6 gives result 10 carry 1 1 plus 2 3 plus 8 11 कैरी 1 प्लस 6 7 प्लस 8 15 कैरी 1 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 कैरी 1 1 प्लस 2 3 प्लस 5 8 4 प्लस 2 6 रिजल्ट हमारा आया 680510. इससे सबट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स 305167 सबट्रैक्ट करेंगे 680510 माइनस अरेंज इन द कॉलम्स में 761503 वी सबट्रैक्ट 0 से सबट्रैक्ट करेंगे 7 को सबट्रैक्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स तो कैरी देगा 10 से 7 सबट्रैक्ट करेंगे 3 एंड गिव्स 0 देन गिव्स 10 10 से सबट्रैक्ट करेंगे 6 को गिव्स 4 यहाँ पर स्टूडेंट बचेगा 4 4 से 1 को सेपरेट करेंगे 3 आएगा ये 0 से 5 सेपरेट नहीं हो सकता ये इसको देगा कैरी ठीक है तो 10 10 में से 5 सेपरेट करेंगे 5 देन यहाँ पर क्या कितना बचेगा स्टूडेंट 7 7 से 0 सेपरेट करेंगे 7 6 से 3 को सेपरेट करेंगे 3 आएगा इट्स माय आंसर राइट आंसर इज इक्वल टू 375343 इट्स क्लियर सेम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी सेम है दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे देन सबट्रैक्ट करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट्स लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए स्टूडेंट्स 1840 2013 माइनस 664 1325 माइनस 382047 प्लस 382 04 देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट प्लस टुगेदर 1800 2013 प्लस के साथ है और 382 04 ये भी हमारा प्लस के साथ इन दोनों को एक साथ अरेंज करेंगे और देन ऐड 1840 2013 को ऐड करेंगे 38204 4 0 2 8 3 दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 देन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 2 2 प्लस 8 10 हो जाएगा कैरी 1 होगा 1 प्लस 3 कितना देगा 4 देन 4 8 1 ये हमारा ऐड करने से आया स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे
6641325 और 38204 ये भी हमारे किसके साथ है, माइनस के साथ है, तो इन दोनों को माइनस के साथ दिया हुआ है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, बट क्योंकि आपको पता है माइनस वाले जो वैल्यू दी होती है उन दोनों को प्लस कर लिया जाता है, बट साइन किसका होता है, माइनस का ही ऐड किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, ये जो नंबर दिए 6641325 ऐड करेंगे 7402 83 इसके साथ इसको ऐड करेंगे 5 + 7 हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 कैरी 1 होगा यहाँ पर 1 + 2 3 + 4 7 3 + 0 3 देगा 1 + 2 3 4 + 8 12 कैरी 1 + 6 7 + 3 10 1 देगा 6 + 1 7 ये क्या आया 7 0 2 3 3 7 2 ये हमारा, ठीक है। इसको राइट करेंगे हम लोग, प्लस वाला पहले लिखेंगे 1 8 4 4 0 2 1 7 माइनस 7 0 2 3 3 7 2 इससे इसको सेपरेट करना है। से सेपरेट करेंगे 2 7 3 3 2 0 7 से 2 सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स 5 देगा, वैसे 1 से 7 सेपरेट नहीं होगा, ये इसको देगा 12 तो हो जाएगा 11 11 से हमारा 4 7 सेपरेट करेंगे ये आएगा 4 यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 1 से 3 को सेपरेट नहीं करेंगे, ये इसको देगा 10 10 से इसको देगा यहाँ पर होगा 11 11 से हमारा 3 सेपरेट करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 से 3 सेपरेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 यहाँ पर 3 हुआ 3 से 2 सेपरेट करेंगे 1 एंड यहाँ पर कितना बचा 4 से 0 सेपरेट करेंगे 4 ही आएगा 8 से 7 सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स 1 एंड 1 एज इट इज दिस इज माय आंसर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वन सेम स्टूडेंट ऐसे आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 8052 इसको क्या करना है प्लस करना है स्टूडेंट। प्लस करने के लिए क्या करेंगे सबको एक साथ कॉलम में अरेंज करेंगे 4 9 5 6 8 7 4 सेम इसको अरेंज करेंगे 3 8 2 9 4 5 3 देन नेक्स्ट 2 5 0 8 3 1 6 सबको एक साथ अरेंज करेंगे और इसको प्लस कर लेंगे 4 + 3 स्टूडेंट होगा 7 + 2 9 नेक्स्ट 7 + 8 15 + 5 20 कितना बचा 2 2 + 8 10 हो जाएगा 10 + 2 12 1 1 + 6 7 + 9 16 + 8 24 देन 2 2 + 5 7 + 4 11 + 3 14
वन, वन प्लस नाइन टेन, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन, प्लस वन सिक्सटीन, वन बार वन प्लस फोर फाइव, प्लस थ्री एट, प्लस सिक्स फोर्टीन, ये हमारा आंसर होगा। सेम क्वेश्चंस हमारे स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन एट के सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन भी हमारा सबट्रैक्ट करना है, इसमें फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन नंबर टेन, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेवन कराया था, सेम क्वेश्चन नंबर हमारा बुक का टेन नंबर है, इसके पास बुक है बेटा, उसमें आप देख सकते हो उसको, ठीक है। नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज फोर बी। एक्सरसाइज फोर बी, फोर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, नाउ स्टडी द एक्सरसाइज ऑफ फोर बी। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ 348,750 एंड द नंबर इज 15 लाख, फाइंड द नंबर, ठीक है। द सम ऑफ 3 इतना एंड द नंबर इज गिव्स, तो नंबर को जब रिक्वायर्ड नंबर हमें गिवन, देख लीजिए पहले सम, द सम ऑफ 348,750 एंड अ नंबर इज 1500000, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है आपको, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इसका प्लस एक नंबर गिवन है, उसका सम समय कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना। जब नंबर फाइंड आउट करना होगा तो जो भी रिजल्ट हमारा गिवन है उसमें से सेपरेट करेंगे 348,750, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1500000 माइनस 348,750, ठीक है। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1500000, ठीक है, 057843 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा, से करेंगे 10, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर 9 होगा, 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, इसलिए इसको कहेंगे कि यहाँ पर 4, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, यहाँ पर 1, मैं रिक्वायर्ड नंबर कितना निकल के आया, 1 11 51 250, इतना वो नंबर हमारा कितना निकल के आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मच इज 6,24,803 शॉर्ट ऑफ 11,20,000, ठीक है। ये इससे कितना शॉर्ट होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इज 6,24,803 शॉर्ट ऑफ 11,20,000, ठीक है। ये इससे कितना शॉर्ट होगा, ठीक है। देखिए